तो हाय दोस्तों, आज हम खेलेंगे आइसक्रीम ग्रैनी चैप्टर टू। तो हम आज इजी में ग्रैंडपा में खेलने वाले हैं। एक्स्ट्रा लुक्स में म्यूजिक ऑन, आवाज़ फुल कर देते हैं ताकि आप लोगों को सुनाई दे अच्छे से। धीरे कुछ लाओ तो हमारा गेम लोड हो रहा है। एंड ये एंड आ गई मतलब ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं मैं, वो बात तो ठीक है। वहां पे जाते हैं तो मैं डे वन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम करेंगे दो स्किप करें बोर्ड स्किप, वो हमें जिसका सामान पहले मिलेगा हम वो स्किप करेंगे। कोई आया क्यों नहीं अभी तक? क्या अगर हमें पहले निकल गया? हमने सोचा हमें एक बार आवाज़ और करके अच्छा सोचा। तो अब ग्रैंपा जा रहा है वहाँ और हम जाएंगे वहाँ। पता नहीं हम स्किप कर भी पाएंगे कि नहीं। हम किसका स्किप करेंगे हमें उसमें से कुछ पता नहीं। यहाँ देखेंगे तो कटिंग प्लान मिल सकता है, यहाँ कुछ नहीं मिला। स्टन गन, वाओ, बड़ी ही अच्छी चीज़ मिल चुकी है हमें स्टन गन। अब तो हमें लगता है बॉडी का सामान पहले मिलेगा। कैसोली पता नहीं ग्रैंपा आया क्यों नहीं अभी तक। हमने ग्रैंपा को स्टंगन मार दी है तो ग्रैंपा उधर जाके गिरो गिरिए जी, गिर जा। पहले हम लेते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि मतलब जो ग्रैंपा है वो अभी थोड़ी देर में चला जाएगा, गायब हो जाएगा, तो तब तक हम ये एमओ लेने में लग जाएंगे। फिर ऐसा हो कि मतलब हमें सिक्योरिटी की मिल ही ना पाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो हमने जैसे सोचा था हम पहले बोर्ड स्किप ही करेंगे, बट का स्टेयरिंग व्हील हमें मिल गया है। बोर्ड की एक चीज़ हमें मिल चुकी है और बोर्ड तो हमें लगता है हमें क्रोबा लाना चाहिए क्योंकि ग्रैंपा को अपने बेहोश कर दिया। हमें लगता है वो नहीं जगेगा अभी दो मिनट तक, वो भी जगा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो जग गया हो, उसका कुछ भरोसा नहीं है। गैसोलीन बोर्ड की दो चीज़ें तो हमें मिल चुकी हैं। एंड कैन चैप्टर टू साधा भले में यहाँ एक डोर हुआ करता था, यहाँ में बोर्ड का कुछ और मिल सकता है। स्पार्क प्लग, ग्रैनी चैप्टर टू में ग्रैनी का पेट भी हुआ करता था, मतलब ग्रैनी का वो भी क्या कहते हैं उसको, वो भी था। कटिंग प्लाई हमारे किसी का काम का तो है नहीं। चलो हम एक बार नीचे चल के देख लेते हैं।
हमें कीड़ा दिखाई नहीं दिया, वैसे जो भी यहाँ पहली बार आता है उसे एक कीड़ा दिखाई देता है, जो भी गेम खेलता है उसे कीड़ा दिखाई देता है, हमें वो कीड़ा दिखाई नहीं दिया। हमें तो ऐसा भी लगता है कि मतलब कीड़ा ग्रैंपा तब से जिंदा हुआ वो तब से ही आई है। हमारी स्टंगन कहाँ हमने छोड़ी थी, देखते हैं आ रहा है क्या। हमें लगता है वो अभी आ रहा होगा, तब भी हमें हमारी स्टंगन ढूंढनी ही पड़ेगी। रुको, देख ले एक बार वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ग्रैंडपा, यहाँ पर क्या बोला, डोर हैंडल जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। एंड ग्रैम पर यहीं पर है। एंड हमें वेट करना पड़ेगा तब तक वो चला ना जा। ए बाहर ड्रॉप कर देते हैं हमें, क्योंकि बोट की दो चीज़ें मिल चुकी हैं, पहला गैसोलीन और बोट स्टेयरिंग व्हील। हमें बोट की जो दोनों चीज़ें मिल चुकी क्या यहाँ क्या कर रहा है मिल चुकी हैं हमें बोट की सिर्फ और सिर्फ हमें बोट की तीन चीज़ें मिल चुकी हैं, बोट स्टेयरिंग व्हील, स्पार्क प्लग और गैसोलीन। तो हमें सिर्फ बोट की दो चीज़ें चाहिए, एक तो है बोट की और क्या चाहिए पैडलॉक की। हमें दोनों की दोनों कीज चाहिए, हमें की के अलावा कुछ नहीं ही चाहिए। एक हमें चाहिए पैडलॉक की, एक हमें चाहिए बोट की। ग्रैंपा नीचे जा रहा है, ग्रैंपा ने हमें देख लिया। वो आता ही होगा ऊपर, कैंटा यहाँ आ चुका है। हम अभी वैसे बाहर ही निकलने वाले थे कि हमने सही टाइम पे ग्रैंपा को देख लिया। हमें वैसे पता नहीं है कि ग्रैंपा ने हमें देखा कि नहीं देखा, अगर बाय चांस उसने हमें देखा है तो वो हमारा पीछा ज़रूर करेगा। हैंड व्हील का हमारे पास कोई काम नहीं है, वैसे हमें स्टन गन भी मिल चुकी है, मतलब वो भी मिल चुकी है, यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। हमें स्टन गन भी मिल चुकी है और हमें मतलब वो भी मिल चुका है, क्या कहते हैं उसको, हाँ कटिंग प्लाय भी मिल चुका है। बोट की लगभग शायद नहीं, हमें बोट की थोड़ी सी चीज़ें मिल चुकी हैं, खाली मतलब सिर्फ हमें बोट की एक चीज़ और चाहिए और उसका नाम है पेटलॉक की, जो कि हमें ऊपर से मिल सकती है। हमें नीचे जाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मतलब जो रुको क्या वहाँ स्टंगन है,
हमें हमारी टंग में मिल चुकी है और कटिंग प्लायर मिला था नीचे वाले डब्बे में, नहीं शायद ऊपर वाले डब्बे में। एक बार हम देख लेते हैं कटिंग प्लायर हमें कहाँ मिला था, नीचे वाले डब्बे में हमें कटिंग प्लायर मिला था। तो अब ऊपर जाएंगे, अबॉर्ट की हमें लगभग सारी चीज़ें मिल चुकी हैं और पेटलॉक की भी अभी हमें मिल जाएगी। हम जाके अपनी एमो ले लें क्योंकि मतलब पता नहीं गेम पर कब हमें दिख जाए और कब वो मतलब मारने पीछे पड़ जाए, तो उसमें मतलब स्टंगन हमारे काम में आ सकती है। एक लंबा यहाँ से नहीं खड़ा है ना, ओह पहले हम सोचते थे कि ग्रैंपा को हम नहीं मार सकते नहीं मार सकते, हमारा निशाना गलत हो जाएगा, जे वो हम ऐसे सोच सोच के बहुत डरते थे पर फिर मतलब हमने एक बार ग्रैंपा को मारा था तो फिर पता चला हमारा निशाना एकदम ठीक है, करेक्ट है, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है, सही है। फिर हमने सोचा ग्रैंपा को मारो मारो मारो, फिर मतलब हमने ग्रैंपा को खूब मारा। तो हमारा बॉर्डर स्केप हो जाएगा, अगर यहाँ हमें पेटलॉक की मिल गई तो हमारा बॉर्डर स्केप कंप्लीट हो जाएगा। सेफ की इसका हमारे पास क्या काम, चलो ऐसा हो सकता है कि मतलब सेफ रूम से हमें पेटलॉक मिल जाए, बहुत कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रिपोर्ट की है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, इसके उसके बोर्ड चल तो हो सकती है इसकी उस इसकी मदद से, हाँ इसकी मदद से बहुत चलेगी थोड़ी। पेटलॉक की जैसा कि हमने सोचा था बोर्ड की सारी चीज़ें मिल चुकी है। रुको 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 रुको, क्या ग्रैंपा ऊपर है, हमें लगता है हमें एक बार ग्रैंपा को बुला लेना चाहिए क्योंकि पिछली बार जब हमने उसे मारा था तो फिर वो मतलब नीचे ही मिला था। हमें लगा ग्रैंपा आ गया, थोड़ा और पीछे जाते चके, अगर अगर ग्रैंपा नीचे निकला आई क्या हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, क्या हुआ ग्रैंपा अभी तक आया को नहीं, ग्रैंपा क्या तू नीचे है, तू आए क्या तू आए, ग्रैंपा ओ ग्रैंपा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई आ गया, ओ इसने हमें देख लिया भाई, पीछे पड़ गया ये, तो हमें छुपना पड़ेगा जब तक ग्रैंपा हमें मतलब अनदेखा ना कर दे, मतलब छोड़ ना दे, हमें छुपना पड़ेगा। हम पीछे मुड़ रहे थे, हमें पता है कि ग्रैंपा यहाँ पर भी आएगा, नहीं आया लगता है, वो चला गया। क्या हम बाहर निकले, नहीं निकल नहीं। ओह जैसा हमने सोचा ग्रैंपा जा चुका है एंड हमने उसकी सारी चीज़ें डे वन में ही ढूंढ निकाली पोर्ट की, हमें लगता है हम डे वन में स्किप कर लेंगे, पर यह थोड़ा बहुत श्योर हो गया है, ऐसा हो सकता है कि ग्रैंपा इसकी आवाज़ सुन के नीचे आ जाए क्योंकि वो वैसे बहरा है थोड़ा, आवाज़ तो सुन तो सकता नहीं है पर ग्रैंपा थोड़ी चीज़ों की आवाज़ सुन सकता है। हमें बहुत संभल के जाना पड़ेगा, ओफ वो रहा ग्रैंपा,
फ्रेंड इतनी दूर से नो इतनी दूर से हमारा निशान है एकदम परफेक्ट पड़ा। हमें कभी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि हमारा निशाना इतना परफेक्ट है, क्योंकि पहले मतलब हमारा निशाना हर बार गलत लगता था, हमारा निशाना कभी सही लगता नहीं था। हमें बोर्ड की सब चीज़ें मिल चुकी है और हमने एक ही पहले दिन में ग्रैंडपा को इतने बार मार दिया है। हमने बहुत बार नहीं, करीबन एक दो बार मारा होगा, और यहाँ तो कोचिंग प्लान मिला था। हमें लगता है नीचे का मतलब सारा सामान हम ले जा चुके हैं, सिक्योरिटी रूम में की पड़ी है और यहाँ पड़ा है स्टेयरिंग व्हील, ये सब चीज़ें हम नीचे फेंक देते हैं ताकि मतलब जो वो है वो हमें याद रहे। अब हम यहाँ पर ये बोट की और डिब्बे वाले रूम में मतलब कि यहाँ पड़ा है गैसोलीन पड़ा है यहाँ पर, और हमारी लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हमें अब बाथरूम से नीचे जाना होगा क्योंकि कि ग्रैंडपा जिंदा हो चुका होगा, और मतलब ऐसा भी हो सकता है हम यहाँ से नीचे जाए वो हमें देख ले और अच्छू करके मार दे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि वो हमें देख ले और अच्छू करके मार दे, और हमारे मतलब वो भी नीचे ही पड़ी है स्तनगन। तब भी हमें लगता है ग्रैंडपा अभी तक जिंदा नहीं हुआ है, देखते हैं चल के। नो 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 वो जिंदा हो चुका है, हमें स्टन बो रही, हमें हमें उसे बुलाना पड़ेगा। मैं अच्छे से पता है कि वो नीचे से ही आएगा, तब भी हमें सब तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, ऐसा हम नीचे सामान फेंकने में लगे पड़े हो और मैं नीचे से ऊपर आ भी चुका हो। देखा 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 देखा, हमने बोला था। अभी हमें लगता है हमें इसे दोबारा मारने की ज़रूरत छोड़ दे मुझे नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम यहाँ से सारा सामान नीचे ड्रॉप कर देंगे, फिर वहाँ से ले जाके उस वाले जीरो पे ड्रॉप कर देंगे, और फिर वहाँ से ले जाके हम सीधे स्किप कर लेंगे, बस हमारा काम हो गया। तो अब हम पहले ले जाते हैं गैसोलीन, क्योंकि गैसोलीन में बहुत टाइम लगता है ऐसा होता तक ग्रैंडपा जिंदा हो जाए, जे वो यहाँ फेंक देते ताकि हमें दोबारा से वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े ऊपर आने की, क्योंकि ग्रैंडपा इस मरण जिसमें हमें मारता है उसी में ज़िंदा होता है। तो नहीं किया, हमें बड़े बच बच के भी रहना पड़ेगा क्योंकि ये ज़िंदा हो जाता फिर हमें मार डालता है। नहीं, हमें लगता है हमें ग्रैंडपा को एक बार और मारने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम बंद कर देते हैं। ग्रैंडपा को इन सब की आवाज़ तो सुनाई देगी नहीं क्योंकि वो बह रहे हैं, उनको किसी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हारा फ्यूल भी हो चुका है ड्रॉप, कर लेते हैं हम इसको, कर देते हैं मतलब इसको, और अब जाके लगाते हैं स्टीयरिंग व्हील। और बहुत ही खास बात, हमारा बोर्ड स्किप हो चुका है, वो भी डे वन में। हमें ग्रैंडपा ने एक बार भी नहीं मारा, और तो इसी के साथ हमारा गेम कंप्लीट होता है। अगर हम बोर्ड में हार्ड में लगाते तो हम मर जाते, वैसे हम बोर्ड में हार्ड में लगाते ज़रूर खेलेंगे। तो हमारा गेम दी एंड हो चुका है, तो हम तो ये क्या
हमारा गेम एंड हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बताएगा कि मतलब नेक्स्ट वीडियो किस पे बने। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।